खोलू तेरा नाम रहेगा, खोलू तेरा नाम रहेगा, खोलू तेरा, तुझे सलाम, तुझे सलाम, तुझे सलाम, इस सबूत, तुझे सलाम, तुझे सलाम, तुझे सलाम, इस सबूत, तुझे सलाम, तुझे सलाम, तुझे सलाम, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, वीर बोलो अमर रहे, 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 भोलू तेरा नाम रहेगा, भोलू तेरा नाम रहेगा, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, जय जय खाना पड़ा अरुणाचल सीमा पर तैनात थे वो चले। आज जो हम लोग श्रद्धांजलि इनकी आत्मा की शांति के लिए पूरे मसौली अनुमंडल की ओर से सभा किया गया, बहुत ही दुखद है। इतना दुखद घटना है कि हमारे देश के लिए जो कसम प्रेत बहुत ही दर्दनाक होता है, कसम प्रेत आर्मी का, और इस कसम प्रेत ने जो अपना कसम प्रेत लिए कसम खाए कि मैं देश के लिए मरूंगा, देश के लिए जीऊंगा, और 21 साल की उम्र में आप देश के लिए वीर सपूत अमर हो गए। और पहले तो मैं इस दुख की घड़ी में माता पिता इनके परिवार रिश्तेदार को भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सहने की ताकत दे सारे लोग को बेटा, ऐसा अमूल्य धन, और जिसका 21 साल में कमाने वाला बेटा जिस माँ का गोदी सुना हो गया, जिस पिता का गोदी सुना हो गया, सोच सकते हैं कि जिस घर में क्या हालात गुजर रहा होगा। लेकिन देश आपके साथ है, और जो शहीद हुए हैं, मैं भारत सरकार, बिहार सरकार और सारे मीडिया कर्मी से भी मांग करता हूँ कि जो स्पष्टता नहीं है कि किस तरह से गोली लगी हुई है, लेकिन स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि कैसे इनकी हत्या हुई। मैं मीडिया बंधुओं से, प्रिंट मीडिया के लोग से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग से मैं मांग करता हूं कि स्पष्ट हो, जो कि अभी परिवार कह रहे हैं कि सीओ की गोली से इनकी जान गई है, ऐसा इनके पास इन कंप्यूटर पर थे, इनके पास न रिवॉल्वर था न इनके पास राइफल था, तो गोली कैसे लगी, इसमें जरूर न कुछ साजिश है। और रक्षा मंत्री से और बिहार के मुख्यमंत्री से, सभी के पहल से, दूध के दूध और पानी की पानी, देश के लिए शहीद तो हो गए, देख रहे बिना बुलाए हुए लोग इनके भावभीनी श्रद्धांजलि में हजारों की संख्या में आए हुए हैं, और सारे मनमहत सबके आंख में आंसू है। कोई भी जो बेटा जिसको होगा परिवार होगा, 21 साल की उम्र में जिसका कमाता हुआ बेटा, बाघ जिसका हरा था आज बंजर हो गया भारत माँ के लिए। और मैं क्या कहूँ, लेकिन इतना अगर कोई मीडिया के होंगे तो जरूर छापे कि इनकी हत्या की गई है सीओ के द्वारा, और नहीं तो इनका स्पष्ट कहें कि कौन मारा, कैसे रिवॉल्वर आया, कैसे इंसास राइफल आया, इसका स्पष्ट करना जरूरी है। मैं इसी चंद शब्दों के साथ मैं अपने बेटा समान, भारत माँ का बेटा, देश का लाल, देश का वीर सपूत,
और शहीद जो हुए हैं इनके परिवार और इनके शहीद परिवार को मैं भगवान के चरणों में स्थान दे और भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। वीर शहीद अमित जिंदाबाद, जिंदाबाद। वीर शहीद अमित अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। हमारे शहीद लगातार शहीद हो रहे हैं और एक शहीद के बीच में हमारे मसौढ़ी के नाम का भी नाम जुड़ गया जो हम लोग का गर्व का बात है। और इनका जीवन दंड है, इन्होंने अपने भारत माँ की सुरक्षा में भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा अपनी सहायता और भारत के राज्य नेफा मुद्दा है। नेफा अरुणाचल प्रदेश में नेफा एक जगह है और नेफा मुद्दा में इनकी तैनाती थी और वहाँ किस वजह से इनकी हत्या हुई वो स्पष्ट नहीं हुई है। लेकिन नेफा और कश्मीर और लद्दाख तो हमेशा मानता है कुर्बानी कहते हैं ना कि नेफा लद्दाख कश्मीर की धरती मांग रही है कुर्बानी, धरती पुकारे मेरे देश के सपूतों, देश की धीरज लो पानी। हमारे देश के वीर सपूत जाते रहेंगे, ईश्वर को जो करना है तो करना है, लेकिन हमारे भारत के वीर सपूत हमेशा जाते रहेंगे सीमा पे अपने राष्ट्र की सुरक्षा के लिए। जय हिंद, जय भारत। सदन मान जी, बात आ रही है कि उन्होंने सुसाइड किया है, तो इसकी जांच होनी चाहिए और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि परिवार को सहन शक्ति करने की शक्ति दे और पूरे अच्छे तरीके से निष्पक्ष जांच हो और यही हम उम्मीद करते हैं अपने देश के जो सुरक्षा में तैनात सभी जो अफसर हमारा हमारे दोनों सिंह जी को जो जांच फ्री चल सकते हैं कुछ आपने अपने बारे में जानना चाहूँ। मैं आप सब उनकी हत्या जो है विदेशी घुसपैठियों द्वारा किया गया है, उनकी हत्या हुई है और कोई सुनी सुनाई बात बाजार में उड़ा दिए हो तो उस बात को बोलना नहीं है। हकीकत है कि उनकी हत्या की गई, यही बात उनकी हत्या की गई। चलिए अब राकेश जी बोले आइए। अरे बाबू उधर जाके लगा लो, बीच में अमित कुमार ने क्या देगा, तुम्हारी बनाए रखने बस नाम तुम्हारा लेगा, नाम इतिहास के कलम में मिलता रहेगा, अमित रहेगा, अमर रहेगा। क्योंकि ये देश के लिए जो कुर्बान होता है हम अर्पित करते हैं, अर्पित करने को है। जय अमित। डॉक्टर सुधीर जी हैं, माता पिता सब साथ हैं।